अभी कैसे है, हमारे हाथ में एक नया शिकार आजकल तो वो है गाइस, जो ये जो है बाइक का इंडिकेट, दोनों प्रॉब्लम मैंने सॉल्व कर दिए। हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। तो अभी के सुबह के जो है ना, देख सकते हैं यहाँ पे 7:25 से भी टाइम हो चुका है और कॉलेज जाने का अपना टाइम होने वाला है। और इस संडे मतलब इस संडे हम Q&A करने वाले हैं, तो यार जल्द मैं पोस्टर डाल दूंगा Q&A के लिए, एक दो दिन संडे से एक दो दिन पहले डाल दूंगा। तो क्वेश्चन अपने मतलब रेडी करके रखना, तो जल्द जैसे मतलब पोस्ट डालूंगा तो धमाकेदार आप क्वेश्चन मतलब जो है ना कमेंट कर देना। और कल के दिन मैंने अपना जो है मेन चैनल का वीडियो भी रिकॉर्ड कर दिया था, तो जिस दिन आप ब्लॉग देखोगे ना मतलब उससे एक दिन पहले मैंने वीडियो मतलब जो है ना वीडियो आ गया होगा लगभग 12:30 बजे। तो जिस दिन आप मतलब जिस दिन ब्लॉग देखोगे उससे पहले आ गया, तो देखना बिल्कुल मत भूलना मेन चैनल का वीडियो। तो चलो अभी कुछ टाइम वेट करते हैं, फिर चलते हैं कॉलेज और फिर मिलता हूँ आपको कॉलेज में पहुंच के। तो अभी के शाम के लगभग 5 बज चुके हैं और काफी टाइम पहले के जो मैं कॉलेज से मतलब आ गया था, काफी टाइम लगभग 2 बजे लगभग आ गया था कॉलेज से। और अभी के जो मैं नेक्स्ट जो प्रोजेक्ट मेकिंग जो वीडियो है ना उसका कुछ आइडिया मेरे दिमाग में आया, तो मैंने सोचा चलो यार अभी सामान इकट्ठा करके रख लेते हैं, जैसे अभी सैटरडे आएगा तो उस दिन मेरे कॉलेज की छुट्टी होगी तो फिर जो उसी दिन बना लेंगे। तो ठीक है, तो तब उसको मतलब जो नेक्स्ट प्रोजेक्ट को बनाने के लिए हमें चाहिए कि जो 555 DC मोटर, और जो कि मैंने अभी जो है मिक्सर ग्राइंडर बनाया था कुछ टाइम पहले, तो इसी के अंदर मैंने यहाँ पे ये लगा रखे, तो ये नई मोटर मैंने लेके आया था। तो चलो अभी जो ना फटाफट से इसको निकालते हैं। तो पहले तो यहाँ पे इसके स्क्रू यहाँ पे खोलने पड़ेंगे, तो स्क्रू ड्राइवर ढूंढते गए, यहाँ पे ये रखा पड़ा, ये रहा स्क्रू ड्राइवर। तो चलो इसे स्क्रू खोलते हैं, मोटर को बाहर निकालते हैं और फिर मैं आपको मतलब सामान दिखा दूंगा। प्रोजेक्ट तो अभी नहीं दिखाने वाला कि क्या बनाने वाला, वरना पहले आपको पता चल जाएगा फिर मजा नहीं आएगा। तो चलो फटाफट से कहो ना मतलब यहाँ पे मैं मतलब इनको दोनों स्क्रू यहाँ पे दो स्क्रू लगा रखे हैं, तो दोनों स्क्रू को खोलता और फिर मैं आपको मिलता हूँ ठीक है इस मोटर को निकालने के बाद। तो फाइनली गाइस मोटर तो बाहर निकाल लिया देख सकते हो यहाँ पे, और अभी गाइस जो ना ये हमारे अभी तो किसी काम का नहीं है फिलहाल। और चलो अभी इसको रखते हैं मतलब ऐसे ऐसा करते हैं, ऐसे इसको करके ऐसे यहाँ पे फेंक देते हैं, मतलब जो है किसी काम का नहीं है तो फेंक दिया। और अभी हमें इससे प्रोजेक्ट बनाना है, तो प्रोजेक्ट बनाने के लिए हमें साथ में एक बैटरी भी चाहिए, जो बैटरी ये बड़ी बट गई जो ना दिक्कत ये कि बहुत ही ज्यादा साइज में बड़ी है, मतलब 12 वोल्ट आई थिंक ये 6 से 7 एम्पियर आई थिंक ये दे देती है, तो इतने ज्यादा एम्पियर की तो बैटरी हमें नहीं चाहिए, लगभग 2 एम्पियर की बैटरी चाहिए जिससे इसका साइज जो है ना वो छोटा हो जाए। तो उसके लिए हमें 3 सेल ही हमें इसकी जरूरत पड़ेगी, तो बाकी मतलब जो है ना हम रख देंगे नेक्स्ट प्रोजेक्ट के लिए। तो BMS भी हमें चाहिए, तो चलो फटाफट से जो है ना सोल्डिंग आयरन लगाते हैं और मतलब जो है ना इन 6-7 एम्पियर देने वाली बैटरी को लगभग जो है ना 2 एम्पियर की बना देते हैं, और फिर मिलता हूँ आपको, मिलता क्या हूँ बनाते हैं फिर बना देंगे। तो ये रहा सोल्डिंग आयरन, लगाते इसको यहाँ पे प्लग पे, तो लगा दिए और इसको मैं सेट कर दूंगा अभी गई जो ना लगभग 250 पे, अभी 250 सेल्सियस पे अभी इसको मैंने सेट कर दिया हीट होने के लिए। तो अभी जो ना हम इसके सारे वायर मतलब उतार देंगे और 3 सेल इसके अंदर से निकाल लेंगे, जो दो जो है ना मतलब 2-2 एम्पियर के ठीक है, तो सीरीज के अंदर कनेक्ट करेंगे तो 3.7 वोल्ट की जो एक सेल होगा उससे हमें लगभग 11-12 वोल्ट इजिली मिल जाएंगे, और फिर एम्पियर उतने ही रहेंगे, सीरीज के अंदर एम्पियर उतने ही रहते हैं, वोल्टेज बढ़ जाते हैं बट पैरेलल के अंदर वोल्टेज उतने रहते हैं जो है हमारे एम्पियर बढ़ जाते हैं ठीक है, मतलब डबल हो जाते हैं। तो चलो अभी जो ना इसे बैटरी बनाते हैं, छोटी बैटरी पैक बनाते हैं जिसे हम अपने नेक्स्ट प्रोजेक्ट के अंदर यूज कर सके। चलो बना दो फिर मिलता हूँ आपको बैटरी पैक बनाने के बाद। फाइनली गाइस बहुत ज्यादा मेहनत करने के बाद फाइनली हमारी 12 वोल्ट 2 एम्पीयर की बैटरी बन चुकी है, दिखाता हूँ आपको। तो देखो गाइस ये रही बैटरी, और अभी कैसे ना हम इसको रख दें क्योंकि अभी कैसे ना हम इसका यूज मतलब अभी तो वीडियो कौन सा बनाने वाले, अभी प्रोजेक्ट भी नहीं बनाने वाले, अब तो सिर्फ मैंने ना अभी भी सिर्फ तैयारी वगैरह करके रख दी है ताकि जब भी हम प्रोजेक्ट बनाए तो फटाफट से कहीं हमारा प्रोजेक्ट बन जाए, तो एक्स्ट्रा का मतलब पहले ही कर दिया है। तो फाइनली हमारी बैटरी बन चुकी है, पसीना देख सकते हो कितना ज्यादा, और क्योंकि पंखा बनता तो गर्मी के कारण पसीना वगैरह आ गया। तो चलो अभी कैसे ना मतलब यहाँ पे बैटरी बन चुकी मतलब बैटरी हाँ बन चुकी है, और ये रही मोटर, और अभी कहीं जो बाकी एक दो चीजें और है
जैसे हमें स्विच चाहिए, एक 12 वोल्ट का फीमेल सॉकेट चाहिए, वो तो हम अपनी जो मिक्सर ग्राइंडर बनाया था उसके अंदर लगा रखा 12 वोल्ट का फीमेल सॉकेट, तो उसके अंदर से निकाल लेंगे। तो बाकी काम जब प्रोजेक्ट बनाएंगे तभी कर लेंगे। अभी जो है जो मेन चीज थी मतलब बैटरी पैक बनाना, उसके अंदर काफी टाइम लग गया, तो फाइनली वो बन चुके हैं। और अभी चलते हैं जिम के अंदर, एक्सरसाइज लगाते हैं, वर्कआउट करते हैं, और फिर मिलता हूँ आपको मतलब जिम से आने के बाद। तो अभी के जो है मैं जिम से मतलब लगभग आधा घंटा हो चुका है। तो अभी के जो है हमारे हाथ में एक नया शिकारा, तो वो है गाइस जो ये जो है बाइक का इंडिकेटर, जो कि कैसे ना मतलब यहाँ पे ये टूट चुका है, यहाँ से जहाँ पे नट मतलब जो बोल्ट और नट वगैरह लगाने का जो सिस्टम होता है ना वो यहाँ पे टूट गया। और साथ में कैसे ना एक प्रॉब्लम इसके अंदर हो रहा है कि ये मतलब बाइक के अंदर ऐसे लग रखा था काफी टाइम से, ये कैसे ना मतलब ऐसे खराब है अंदर से, इसका कुछ वायर वायर टूट रखा है। तो यार अगर हम मतलब नया लेने जाएंगे तो हमारे बहुत सारे पैसे वेस्ट हो जाएंगे, हाँ, तो इसी वजह से मैंने सोचा चलो इसी को ही हम जो है जुगाड़ उगाड़ करके सही कर देते हैं। तो चलो जुगाड़ करना अपना शुरू कर दे, पहले मोबाइल को ट्राइपॉड पे लगा देता हूँ तो फिर आपको अच्छे से दिखा पाऊंगा कि इसके अंदर मतलब क्या क्या होता है वो भी दिखा दूंगा, और इसको मैंने कैसे सही किया है वो भी दिखा दूंगा, बाद में आपको चला के भी दिखाऊंगा चलता है या नहीं चला। तो चलो मतलब ट्राइपॉड पे लगाता हूँ और इसके ऊपर काम स्टार्ट करते हैं करना। तो पहले नंबर पे गैस जो है हम इसको खोलने वाले हैं, तो स्क्रू ड्राइवर से खुलने वाला है क्योंकि यहाँ पे जो ना इसके स्क्रू काफी जो जंग लग चुकी है, तो यार ऐसे तो खुल नहीं रहे, तो इसी वजह से इससे ही खोलना पड़ेगा हमें। तो देखो गैस इसको जिस टाइप से ये साइड वाला स्क्रू खुल जाएगा, और अभी गैस जो ना ये बाहर आ जाएगा कुछ इस टाइप से, देखो यहाँ पे। और अभी जो है इस वाले ऊपर वाले पार्ट को भी निकाल देंगे और अच्छे से टेस्ट कर मतलब देखेंगे क्या दिक्कत है इसके अंदर। तो ये भी खुल चुका है और अभी ये बाहर आ जाएगा कुछ इस टाइप से। तो अभी जो बल्ब को भी हमें बाहर निकालना है, तो इस टाइप से इसे घुमाना है और ये बाहर आ जाएगा कुछ इस टाइप से, ठीक है। तो यहाँ पे लोक लगा रहता है ना, तो वो सिस्टम है इसके अंदर, ये रहा बल्ब। तो पहले बल्ब टेस्ट कर लेते हैं गैस जो ना कि ये चलता है या नहीं चलता, अगर बल्ब सही निकला तो बहुत ज़्यादा अच्छी बात होगी। तो सब कुछ टेस्ट करने वाले हैं, तो अभी कैसे ना लाइट कम हो गई होगी क्योंकि अडेप्टर से मैंने जो है मेन जो लाइट है स्टूडियो वाली वो हटा दी है। तो चलो कोई बात नहीं, यहाँ पे ये रहा पॉजिटिव और पूरी बॉडी है ग्राउंड, और लगाता हूँ तो यार बहुत ज़्यादा अच्छी बात है कि हमारा बल्ब एकदम मस्त है। तो गाइस ये तो एकदम बल्ब हमारा ठीक है। अभी गाइस जो ना वायर के अंदर दिक्कत हो सकती है कि क्योंकि ये नहीं चल रहा, तो छील मतलब यहाँ पे कटिंग कर लेते हैं, छील लेते हैं। तो यहाँ पे एक बार हटा देता हूँ वायर को और मैं टेस्ट करता हूँ इसको डायरेक्ट मतलब जो है ना अडेप्टर पे लगा के कि ये चलता है या नहीं चलता। अभी इसको डायरेक्ट भी यहाँ पे कनेक्ट करके देख लेते हैं, यहाँ पे ये लगाया ग्राउंड और ये लगाया पॉजिटिव, तो देखो यहाँ पे ये नहीं चला। तो चलो आपको उल्टा भी एक बार करके दिखा देता हूँ ताकि मतलब कोई मतलब जो है ना पता मतलब ऐसा गलती ना हो जाए। तो फिर भी यहाँ पे देखो ये गेजर मतलब नहीं चला, उल्टा सीधा जो मैं दोनों तरफ से लगा के देख लिया। तो गैस जो इसका मतलब ये है कि बल्ब सही है, बट यहाँ पे इसके अंदर से ये जो वायर आ रहा है ना ये कहीं ना कहीं या तो जला हुआ है या टूट रखा है खींचने के अंदर से, पता नहीं कैसे खींचा होगा या फिर टूट पता नहीं कैसे गया होगा। चलो कोई दिक्कत नहीं है, इसको वायर को चेंज करना पड़ेगा अंदर से। तो चलो होल्डर मतलब इसको अच्छे से खोलना पड़ेगा तो ही सही होने वाला है। फाइनली गेज हमारा टूटा हुआ खराब इंडिकेटर एकदम मस्त मैंने बना दिया, टूटा भी होता है और खराब भी था मतलब चलता भी नहीं था, तो दोनों प्रॉब्लम एकदम सॉल्व कर दिए। ये रहा इंडिकेटर। तो यहाँ पे गेज जो ना मतलब थोड़ा जुगाड़ करना पड़ा क्योंकि इसके अंदर गेज जो पहले वाला जो नट वाला मतलब होल वाला जो नट लगा हुआ था ये वाला, ये गैस जो ना अब दोबारा नहीं लग सकता क्योंकि ये जो ना वो वाला सिस्टम इसका आगे वाला टूट गया है। तो इसी वजह से मेरे को इसके अंदर से बड़ा बोल्ट मतलब नट डालना पड़ा और साइड से यहाँ पे कट करके मैंने वायर निकाल दिए, ठीक है। और वायर भी मेरे को दोबारा अंदर से मतलब पूरा एकदम चेंज करना पड़ा, वायर होल्डर से अंदर से आते ना वायर पूरा मतलब, तो होल्डर भी खोल दिया सारा एकदम, स्प्रिंग के अंदर वायर लगाए, तो सब कुछ दोबारा मैंने इंडिकेटर को मतलब जो है जिंदा कर दिया, तो एकदम मस्त बना दिया। अभी जो ना कबाड़ के जाने योग्य हो चुका था बेचारा, तो इसको यार मतलब दोबारा बना दिया आपके भाई ने, तो एकदम मस्त बना दिया। तो अभी मैं आपको इसको चला के भी दिखा देता हूँ। तो पहले जो है यहाँ पे लगा दो अडेप्टर के अंदर, तो ये देख सकते हो यहाँ पे चल गया, ठीक है। तो बहुत ज़्यादा मस्त यहाँ पे काम कर रहा है, देख सकते हो यहाँ पे। तो अब गैस जो है मैं इसको बाइक पे लगा दूंगा और फिर गैस जो है हमारा मस्त एकदम इंडिकेटर काम करेगा। और आज के लोग में इतना ही, आई होप आपको मजा आया होगा, मजा आया तो यार लाइक कर देना, शेयर कर देना, चैनल पे तो सब्सक्राइब कर लेना, मिलते हो जल्द आपको नए ब्लॉग के अंदर, सब्सक्राइब कर देना, तो मिलते हो जल्द आपको नए ब्लॉग के अंदर, तब तक के लिए बाय बाय।